नमस्कार दोस्तों, आपको टाइटल थंबनेल देखकर आज भी ऐसा लग रहा होगा ना, क्या यार रेगुलर कहानी लेकर आ गया। वही कोई भूत प्रेत से पोजेस हुआ होगा, किसी को किसी भूत आत्मा ने जकड़ लिया होगा, फिर उसको उसके परिवार वाले मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए होंगे, उसके ऊपर उसकी झाड़फूक हुई होगी, उसकी भूत की सुनवाई हुई होगी और फिर सब कुछ ठीक, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग। नहीं, आप गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लिटरली आज जिस घटना की कहानी लेकर आया हूं, ये घटना मेहंदीपुर में घटी, वही मेहंदीपुर जहां पर बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। एक ऐसी जगह पर घटी जहां पर माना जाता है कि भूत प्रेतों का रोज मेला लगता है। जी हाँ, जिस परिवार के साथ ये घटना घटी वो परिवार शुरू से वहां पर नहीं रहता था। चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार का नाम हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए हम उसका नाम विपिन रखते हैं। विपिन के परिवार में टोटल 4 लोग थे। उसका भाई था एक विनीत, छोटा भाई, इसके मम्मी पापा थे। विपिन का एक बचपन का पक्का दोस्त था जिसका नाम था शिवम। ये लोग दिल्ली में रहते थे, शिवम के परिवार वाले भी दिल्ली में ही रहते थे। तो शिवम के परिवार वाले और विपिन के परिवार वाले एक दूसरे के पड़ोसी थे और संबंधी जैसे हो गए थे, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था इन लोगों का, काफ़ी सालों से एक दूसरे के आजू बाजू रहते थे। दरअसल विपिन के जो दादाजी थे, विपिन के पापा के दादाजी, वो मेहंदीपुर से बिलोंग करते थे और अपनी जवानी में शादी वादी के बाद उन्होंने मेहंदीपुर छोड़ दिए थे। इनका मेहंदीपुर में बहुत बड़ा घर था। अब काम वाम की तलाश में बड़े शहर में रहने के लिए दिल्ली आ गए थे और वहाँ पर अपनी जीवनी काट रहे थे। लेकिन एक दिन विपिन के पापा ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग मेहंदीपुर रहने को जाएंगे। विपिन के पापा कोई तो भी बिजनेस में थे, कुछ काम करते थे, उनका वो बिजनेस डूब गया था। अब उनका दिल्ली में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए विपिन के पापा ने अपने परिवार से, अपने बच्चों से ये बोले कि बच्चों अब दिल्ली से पैकअप करने का टाइम आ गया है, अब हम अपने पुश्तैनी घर में रहेंगे। वहाँ पर कोई खर्चा भी नहीं है, अपना घर भी है, अपना खेत भी है, रहना खाना जीना आराम से हो जाएगा। बच्चे लोग बड़े दुखी हुए क्योंकि विपिन का पक्का दोस्त था शिवम। बचपन से समझ लो ये दोनों ने सपने देखे हुए थे कि अभी साथ में स्कूल जाते हैं, फिर साथ में कॉलेज भी जाएंगे, जॉब भी करेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे। लेकिन ये सपने सिर्फ विपिन के पापा के एक डिसीजन के कारण टूट गए। और क्या कर सकते थे यार, उनका बिजनेस था, सब कुछ था, वो ख़राब हो गया था। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से जो सोचे थे सही सोचे थे, इनका खुद का घर था वहाँ पे, सारी चीज़ों का पैकअप हुआ, ये लोग पहुँच गए मेहंदीपुर। मेहंदीपुर पहुँचने के बाद इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इनकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है ना, अब वो नॉर्मल घर की तरह नहीं रही है, वो खंडर में तब्दील हो चुकी है। वहाँ पे स्मेल रहने लगी है, बहुत गंदगी ना जाने कितने समय से भरी हुई थी, वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती थी, वो रहने लायक जगह बची ही नहीं थी। ये लोग काफ़ी सालों से इस जगह देखने नहीं आए थे, अभी रैंडमली डिसाइड कर लिए थे कि हम वहाँ पर रहने जाएंगे। ये थोड़ी सी इनकी गलती तो थी परिवार वालों की, पहले जाकर देख लेना चाहिए था वहाँ पे घर परिवार अपना कैसा है, सिस्टम रहने का सब जम जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर देख रहे हैं ये, सुन मैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, यहाँ नहीं रहा जा सकता। कुछ रातें ज़रूर काटी जा सकती लेकिन ज़िंदगी नहीं। तो वहाँ पर रहने लगे और कोशिश करने लगे कोई घर रहने को मिल जाए, कोई रेंट पे ही या फिर कोई सस्ता वस्ता खरीदने पे घर मिल जाए। इन्हें सोचे कि हम अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेच देंगे, यहाँ पर रहते रहते कोई तो होगा जो खंडर के भाव ही खरीद लेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को कोई खंडर के भाव भी खरीदता है तो हमको मेहंदीपुर में एक ठीक ठाक घर रहने को मिल जाएगा अपने 4 लोगों के परिवार के हिसाब से। गांव के लोगों को बता दिए कि हमको अपना ये जो हवेली है ये बेचना है, हमारे पास कागजात वगैरह सब कुछ है और उसके बदले में हमको कुछ ऐसा दूसरा घर चाहिए जहां पर हम अपने परिवार के साथ रह सके। इसको कोई ऐसा आदमी खरीद ले जिसको ज़मीन की ज़रूरत है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहता है। गाँव में ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और आए दिन कई सारे बायर्स इनका ये घर देखने के लिए आते गए। लेकिन किसी को भी इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब बहुत मनहूस सी दिखती थी। फिर एक बायर आया जो कि कहीं बाहर का था, वो राजस्थान का नहीं था, वो दिल्ली का नहीं था, शायद हरियाणा साइड का कहीं का था। उसने बोला कि भाई मेहंदीपुर में अपनी एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, बड़ा आदमी था, देखो हमको तुम्हारी प्रॉपर्टी ख़रीदने में इंटरेस्ट है और तुमको एक दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए, तो एक काम करते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं।
तुम ये पूरी ज़मीन, ये पूरी हवेली हमारे नाम करो और हम अपना एक छोटा घर है हमारा जिसमें चार लोग आप लोग आराम से रह सकते हैं, कल को बच्चों की शादी होगी तो वो भी एडजस्ट करके रह ही लेंगे, इतना छोटा भी नहीं है, ले लो आप। बोले ठीक है। अब ये गलती नहीं करना चाहते थे विपिन के पापा, लास्ट वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे। बोले सर आप घर दिखा सकते हैं अपना? बोले चलिए। ये मेहंदीपुर के थोड़े आउटर इलाके में घर था, वो घर पूरी तरीके से झाड़ियों से घिरा हुआ, बहुत ही वियर्ड तरीके से इस घर को मेंटेन करके रखा गया था। हाँ, घर को देखकर ऐसा तो लगता था कि घर की देखभाल कोई करता है। इन लोगों ने इस हरियाणवी आदमी से पूछा कि भाई साहब आपने कोई रखे हुए हैं क्या ये घर को साफ़ सफाई करने वाला आदमी को? तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल, केयरटेकर रखा हुआ हूँ और वो आता है हफ्ते की हफ्ते और पूरा साफ़ करके जाता है। विपिन के पापा पूछते लेकिन ऐसी डिज़ाइन में घर क्यों बनाया आपने कि मतलब चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ, बाहर सूरज की रोशनी भी नहीं आती होगी। आदमी बोलते हैं हाँ उसका एक कारण है, आप उसमें मत घुसिए वरना ना वो आपका खंडर कोई ख़रीदेगा और ना ही ये आपको मिल पाएगा, रहने को आपको जगह ही इनफ हो जाएगी कि नहीं, आप ये देखो अपने परिवार के साथ। इन्होंने देखे हाँ यार स्पेस तो है, कल को दोनों बच्चे शादी भी कर लेंगे ना विपिन और विनीत तो भी रह लेंगे, ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर में भी कुछ कमरे हैं और फर्स्ट फ्लोर में भी कुछ कमरे, उसके ऊपर छत है, एक छोटा बंगलो जैसा है। ये सब रजामंदी हो गई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन गए और वो रईस आदमी ने इनका वो जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी था अपने इस बंगलो के एक्सचेंज में ले लिया। वो चले गया वापस से हरियाणा, पेपर वेपर का काम करके वो हरियाणा चले गया, उसका यही काम था, वो इन्वेस्टमेंट करता था ये वो, शायद उसको इस घर से पीछा छुड़ाना रहा होगा इस बंगलो से, इसलिए उसने इस अच्छे खासे बंगलो के बदले वो खंडर वाली ज़मीन ले लिया। क्यों पीछा छुड़ाना होगा आपको आगे समझ में आएगा। ये लोग बहुत खुश हुए, सुबह सुबह अपना सामान यहाँ पर लेकर आ गए, अगले दिन दिन भर से सामान अमान जमा रहे हैं पूरे घर के लोग, विपिन विनीत इनकी मम्मी इनके पापा, पूरा घर सेटल कर डाले, इतनी एक्साइटमेंट, पूरा घर जमा डाले। अब रात का वक्त आया तो डिसाइड हुआ कि माँ बाप नीचे वाले फ्लोर में रहेंगे और बच्चे ऊपर वाले फ्लोर में। बच्चे और खुश, बोले दिल्ली में तो इतना हाई फाई लाइफ स्टाइल नहीं मिला, डिसीजन अच्छा था, दोस्त बिछड़े तो क्या हुआ, यहाँ पर भी दोस्त स्कूल सब बन जाएगा यार, अच्छा आलिशान अपने को घर मिल गया है, ठीक है। पहली रात को ही बच्चे एक्साइटमेंट में थे, सो नहीं पाए थे, माँ बाप नीचे सो गए थे। इनको रात के 1:30 बजे के आसपास अपने घर के पीछे तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, ये कोई औरत की आवाज़ थी। दोनों भाई घबरा कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कौन रो रहा है यार, चल देखे क्या। तो इनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी, उस खिड़की को खोलते और नीचे झाँक झाँक के देखने लगते हैं। तो ऐसा डिज़ाइन था घर का कि दिख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी हल्का सा कुछ तो भी दिखा कि इनके घर के पीछे की तरफ इनके घर के ही एरिया का एक कुआं है, उस कुएं की एक बाउंड्री वॉल में बैठ के एक औरत रो रही है और बहुत सिसक सिसक के रो रही है, थोड़ी सी हल्की सी ऐसी दिखाई दी, मतलब ऐसा था, मतलब वो साइड में कुआं था और ये खिड़की से ऐसा झाँक के देख रहे थे, सिसक सिसक के रो रही है। तो ये दोनों घबरा गए, बोले कि हो सकता है आजू बाजू की कोई गरीब औरत होगी, वैसे भी आजू बाजू बहुत छोटे छोटे घर हैं और दूर दूर है अपना इलाका, थोड़ा मेहंदीपुर से हल्का सा बाहर सा है, कोई गरीब या भिखारन हो कि उसको घर पे जो खाना बचा है कुछ दे देते हैं यार, बेचारी खा लेगी, मम्मी पापा को डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा दोनों ने बात कर लिए और फ्रिज में गए, दो रोटी निकाले, उसको फटाफट फटाफट गैस में गर्म किए हैं और फिर पीछे तरफ कुएं के पास पहुंच गए लेके। लेकिन जैसे ही कुएं के पास वो रोटियां लेकर पहुंचे तो क्या देखे कि हाँ कि ना यहाँ पर रोने की आवाज़ थी और ना ही वो औरत थी, तो घबरा गए, आंटी आंटी ऐसा करके आवाज़ भी लगाए लेकिन कोई आंटी वंटी की आवाज़ रिटर्न में नहीं आई। इनको ऐसा लगाया कि क्या हो सकता है यार, हो सकता है कोई आसपास की औरत रही होगी, हमको थोड़ा गैस से निकाल के गर्म करने में टाइम भी हो गया तो चली गई होगी, चलो कोई बात नहीं वापस चले आते हैं। अभी वापस से जैसे ही ऊपर आए फिर से वो औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, फिर ये खिड़की से झाँक के देखे तो वही कुएं के पास बैठ के रो रही है। बोले चल 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 जल्दी, वो औरत फिर से आई है। ये फिर से नीचे गए तो देखे कि वो औरत फिर से गायब। बोले अरे चल क्या रहा है, लेकिन अब लौट के अपने घर की तरफ
दरवाजे से घुसी रहते तो वो औरत दरवाजे के पास बैठी हुई और ऐसा करके रो रही है बिना आवाज निकाले। ये बोलते, अरे आंटी क्या हो गया, हम आपको दो बार ढूंढने के लिए नीचे आ गए, आप हमें दिखाई नहीं दी, आप इधर उधर क्यों भाग रही है, क्या तकलीफ है, बताइए हमको, ये हमारा ही घर है। औरत बोलती है, बेटा बहुत भूख लगी है, 5 दिनों से कुछ खाई नहीं हूँ, रोटी प्याज मिलेगा क्या खाने को। ये बोलते, हाँ आंटी रोटी है लो। नहीं बेटा, रोटी अकेली नहीं खाती, प्याज के साथ खाती हूँ, दे दो ना, वरना तड़प तड़प के तुम्हारे दरवाजे पे मर जाऊंगी तो तुमको अच्छा लगेगा क्या, फिर भूत बन के यहीं पर भटकूंगी तो फिर क्या बोलोगे। ये बोलते, हाँ आंटी रिलैक्स। इनको लगा कि आंटी भूख के कारण या जिस भी रीज़न से हो अपना दिमागी संतुलन खो दी है, आंटी को प्याज लाकर दे देते हैं। ये लोग घर के अंदर घुसे हैं, फ्रिज में से प्याज निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्याज कहाँ पर रखा है समझ में नहीं आ रहा है, प्याज कहीं मिल नहीं रहा था। बोले चल वापस से देखते, आंटी को फाइनल बोल देते कि आंटी प्याज तो नहीं है, सब्जी दे देते हैं, थोड़ी सी बची हुई है, भिंडी की सब्जी है, खाओगे तो बोलो। जैसे बाहर गए तो फिर से आंटी दिखाई ना दे। अब दोनों भाई के दिमाग के परखच्चे उड़ गए, बोले कि क्या मैटर है ये, हो सकता है ये कोई चोर का गिरोह है, जो हम गलती कर रहे हैं उनके चाल में फंस रहे हैं, वो शायद हमको घर से अंदर बाहर करने के चक्कर में और कोई दरवाजे खिड़की से घर के अंदर घुस जाएंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, फटाफट अंदर चल लेते हैं, नहीं आएंगे बाहर। अब जो भी रोए, ये जो रोटी अपन ने लाए हैं, थोड़ी सी जो भिंडी की सब्जी है वो कुएं के पास रख देते हैं, वो एक डाउट दे देते हैं अपने उसको, मतलब एक चांस दे देते हैं अपने शक को कि चलो वो कोई गरीब होगी भी तो कुएं के पास से रोटी सब्जी उठा के खा लेगी, चोर होंगे तो हम तो घर के अंदर जा रहे हैं। चक्कर में ही अंदर चले गए और सो गए, पूरी रात कट गई। अगले दिन उठ के इन लोगों ने ये बात अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा ने बोले, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है, मतलब अपन तो अपने जो घर का अपने आंगन का जो मेन गेट है वो तो लगा कर रखते हैं, तो फिर एक औरत अंदर कैसे आई होगी। ये बोले, हाँ ना पापा, बोले आज रात में भी देखो अगर आवाज़ आए तो मुझे उठाओ। अब हुआ ही है कि दोनों बच्चे फिर से ऊपर वाले कमरे में अपने सोने के लिए गए, माँ बाप नीचे सो रहे हैं। आज फिर से 1:30 बजे के आसपास इनको वैसे ही रोने की आवाज़ सुनाई दे। फिर अपना मुंह बाहर निकाल कर देखे खिड़की से नीचे कुएं की तरफ, तो आज कोई ना दिखाई दे। बोले क्या करें, पापा को बताया कि चल। बोले दोनों भाई भाई नीचे मम्मी पापा के कमरे में गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे, पापा पापा दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, लेकिन पापा है कि सुन नहीं पा रहे, मम्मी भी शायद अंदर सुन नहीं पा रही है, दोनों की नींद नहीं खुल रही है, ऐसी कैसी नींद सोए हुए हैं। बोले छोड़ो, हम ही एक बार देखते हैं, डंडा वंडा उठाकर देखते हैं कौन है। इन लोगों ने घर में साइड में एक हॉकी स्टिक रखी हुई थी, जी हाँ सेफ्टी के लिए लोग रखते हैं अपने घर पे, इन लोगों ने भी रखी हुई थी, वो हॉकी स्टिक उठाए हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकले हैं तो एकदम मुँह के सामने वही औरत खड़ी हुई दिखाई दी। और अभी उस औरत के जो हाथ के नाखून थे इतने इतने लंबे, यहाँ से लेकर इतने इतने लंबे, और पूरे दांत नहीं हैं, और बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, और पूरा चेहरा झुलसा हुआ है बुढ़ापा से, और उन्हें करके ऐसा देख रही है। ये दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाए मम्मी, और दरवाज़ा बंद करके वापस से अंदर की तरफ भागे हैं अपने कमरे की तरफ। जैसे ही अपने कमरे में पहुँचे तो क्या पाए कि इनके कमरे में के बेड के ऊपर जो चादर था वो ओढ़कर कोई सो रहा है। ये घबरा गए कि हम नीचे गए हैं, मम्मी पापा को उठाए रहे थे, बाहर गए थे इतनी देर में, यहाँ पर आकर कौन सो गया। हिम्मत करके बोलने लगे, ए कौन है तू, बिस्तर के ऊपर क्यों सो रहा है, हमारे चेहरा दिखा अपना। ऐसे बोलते 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 आगे गए हैं, आके गए हैं हॉकी स्टिक से जैसे टोचा मारे हैं जो भी सो रहा था उसको, कि लिटरली वो चादर हटा के वो बुढ़िया औरत ऐसे कूद के झपट्टा मारी है ना अपने विनीत के ऊपर कि मैं क्या बताऊँ, झपट्टा मार के सीधे गला दबाने लगी। अब ये जो बड़ा भाई है विपिन, वो अपने भाई को कैसे बचाए, हॉकी से मारे इस चुड़ैलन को भूत को ये कैसे जान बचाए, इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से मम्मी पापा के पास भागा। मम्मी पापा जल्दी आओ जल्दी आओ, ऊपर देखो क्या हो गया है, भाई के साथ क्या हो रहा है। अभी मम्मी पापा की नींद खुल गई, पता नहीं क्यों पिछली बार इसको आवाज़ नहीं गई थी क्या मम्मी पापा को कि क्या मैटर हुआ था, मम्मी पापा की नींद खुली, भागते भागते ऊपर आए तो क्या देखे कि विनीत तो बेहोश पड़ा हुआ है और आसपास कोई भी नहीं है।
लेकिन हाँ, अंदर मिट्टी कुछ आई हुई है, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी वाले पैरों से कोई अंदर आया हुआ था। बोली, ये किस तरह की वियर्ड सी चीज़ हो रही है घर पे? इस तरह की चीज़ें तो कोई भूतिया फिल्मों में होती है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मिट्टी वाले पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। इनके पापा मम्मी दोनों समझ गए कि विनीत और विपिन किसी भी एंगल से झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे घर में कोई तो घुस रहा है। ये रात इन लोगों ने पूरी एक साथ चाक कर बिता दिए। अगला दिन हुआ तो इस घर का जो ओनर था उसको फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो जानता था कि इस घर में कुछ गड़बड़ होती है और उसको मालूम था कि इन लोगों का फ़ोन आएगा, इनके साथ कुछ होगा, तो वो फ़ोन नहीं उठाया। फिर जब रात हुई तो रात को इन लोगों ने डिसाइड किया कि सब लोग अब मिलजुल कर ऊपर ही सोएंगे, और किसी को कुछ भी चीज़ की एहसास हो, कुछ भी चीज़ दिखाई दे, तो तुरंत एक दूसरे को आपस में उठाएंगे। अब ऐसे ही होता है भाई, फिर से रात के 2-2:30 बजे के आसपास सबकी नींद लग चुकी है। पता नहीं, कोशिश तो किए थे कि थोड़ा जागेंगे, देखेंगे, समझेंगे चीज़ को, लेकिन 2-2:30 बजे के आसपास जैसे कि नशे की हवा चल गई और सबको नींद आ गई, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर कुछ गिरने की आवाज़ के साथ विपिन के पापा की नींद खुली। इनके पापा जैसे ही जाके क्या देखते हैं कि इनके बिस्तर के जस्ट सामने इस कमरे से बाहर निकलने का दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा बंद कर सोए थे, ये दरवाज़ा खुला है। इन्होंने आजू बाजू देखे और पाए कि इनके दोनों बच्चे और इनकी पत्नी सो रहे हैं, और बाहर से किसी के कुछ चल फिरने की आभास हो रहा है। ये बोले, उठकर देखता हूँ मैं। ये उठकर जैसी बाहर निकले हैं और नीचे तरफ देखे हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर था ना, और इनके फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा सा नज़ारा दिखता था। ग्राउंड फ्लोर तरफ देखे हैं तो क्लियर देखे हैं कि कोई तो इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, और बाहर ज़ोर ज़ोर की बिजली कड़क रही है, अंदर बिजली के फ्लैशेज आ रहे हैं, उससे नज़ारा मिल रहा है, ये 100% कोई औरत है। इन्होंने सोचे कि मैं अपनी फैमिली वालों को उठाता हूँ जाके, कि इसको दबोचेंगे आगे जाके, ये पक्का कोई चोर है, ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है। ऐसा बोल के जैसे ये मुड़े हैं ना अपने बच्चों को आवाज़ लगाने के लिए, कि इनका पूरा शरीर ऐसा अकड़ गया, ये मुँह के बल भाड़ से गिरे और चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरी तरफ नज़र घुमाकर देखे तो वो जो औरत थी जो नीचे घूम रही थी, वो अब नीचे नहीं, ऊपर वाले फ्लोर में ही जहाँ पर ये पड़े हैं उनके बिल्कुल बाजू में खड़ी है, और इन्हें घूर घूर कर ऐसे देख रही है अपनी बड़ी बड़ी लाल चमकदार आँखों से, लंबे लंबे नाखून लिए, झुलसे हुए चेहरे के साथ, भूखा सा बदन। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई भी उसके सामने जाए तो उसे उधेड़ कर खा जाएगी अपने नाखूनों से। शैतान जल्लाद बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। ये डर के मारे पूरा कांपने लगे और लगातार मन ही मन में, हे शिव शंभू, हे शिव शंभू, जान बचा ले, हे शिव शंभू, जीवन दान दे दे शिव शंभू, ऐसा बोलने लगे। ये आँख बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आँख बंद कर नहीं पा रहे थे। उस औरत से अपनी आँखें भी नहीं हटा पा रहे थे। पता नहीं इस औरत ने ऐसा कौन सा जादू, ऐसा कौन सा वशीभूत वशीकरण इनके ऊपर कर दी थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बड़े बेटे की नींद खुल गई, और बड़े बेटे की जैसी नींद खुली उसने पापा को ऐसा पड़ा हुआ देखा दरवाजे के पास। पापा, पापा का पूरी आँख वहाँ पलट गई थी और ऐसे 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 कर रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मन ही मन बस भोलेनाथ का नाम ले रहे थे, पापा करके चिल्लाया है। मम्मी की नींद खुली, भाई की नींद खुली, सब लोग भागते हुए आए और शायद वो चुड़ैल वहाँ से गायब। इनको उठाए हैं जैसे तैसे करके, पानी वानी डाले और सीधे बाथरूम ले गए। बोले, शरीर बहुत तप गया है, बहुत गर्म हो गया है, इनके शरीर में पूरा ठंडा पानी डालो। उनको नहला दिए ठंडे पानी से, वो फिर बेहोशी जैसी हालत में चले गए। घर पर डॉक्टर को बुलाया गया, पास में ही किस्मत से डॉक्टर रहता था। डॉक्टर आया और इनको इंजेक्शन वगैरह दिया, और डॉक्टर ने बोला इनको हाई फीवर हो गया। डॉक्टर को परिवार के सदस्यों ने नहीं बताया कि हम लोग क्या फेस किए हैं, क्या हो रहा है। फिर इनके पापा पूरी तरीके से होश में आए तो बताए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, ये चीज़ कोई डॉक्टर, ये घर का मकान वाले, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, हमको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ही जाना पड़ेगा। सबकी सब अगले दिन उठकर मंदिर गए हैं, मंदिर में जो पुजारी थे उनसे पूरी बात किए हैं, अपने बारे में बताकर A to Z सब कुछ डिस्कस किए हैं। उन्होंने बोले कि ठीक है, हम समय निकाल के मंदिर के पट जब बंद हो जाते हैं आपके घर आते हैं और देखते हैं। ये घर पर आए और बोले कि घर पर हमको बालाजी महाराज के नाम का एक हवन करवाना पड़ेगा। पूरा हवन हुआ है,
घर को बजरंगबली कवच से बांधा गया। इसके बाद इनके घर की वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी सुनाई देती थी, दिखाई देती थी। आए दिन रात बेरात वही चुड़ैल की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। फाइनली इन लोगों ने डिसीज़न लिए, अब ये प्रॉपर्टी अपने अंदर फंस गई है, फंसे रहने दो, वापस से दिल्ली चलो। ये वापस से दिल्ली आ गए और पूरी पूरी घटना की जानकारी इस परिवार के लोगों ने शिवम के परिवार को दिए। शिवम भी सुन रहा था। किस्मत से सब अच्छे हैं, लेकिन फेस किए कुछ बहुत डरावना फेस किए। और ये पूरी की पूरी कहानी मुझे शिवम ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, बोला कि आप ही पूरी दुनिया को बताओ कि मेरे दोस्त ने कैसे कुछ फेस किया था। मेरा दोस्त आज भी जब भी उन रातों को याद करता है तो सिहर सा उठता है। हालांकि बहुत रातें तो नहीं, 2-3 रातें ही वहाँ पर बिताए थे, लेकिन ज़रा सोचो कितने खौफनाक तरीके से बिताए होंगे। 9-10 साल भले ही हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि 9-10 दिन पहले की ही तो बात है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।